बाहु, सहस्त्र का मतलब संस्कृत में वैसे होता है हजार। सहस्त्र अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है हजार। बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि सहस्त्र बाहु नाम का एक क्षत्रिय था और उसको भगवान से ये वरदान था कि अब जैसे हम लोग की तो दो ही भुजाएं, दो ही हाथ हैं, लेकिन उसके हजार हाथ थे, इसलिए उसका नाम था सहस्त्र बाहु। अब यहाँ पर भृगु जो है परशुराम जी वो क्या कह रहे हैं कि वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान ही शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि जो ये सहस्त्र बाहु राजा था इसने परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी थी और उनसी हत्या का प्रतिशोध यानी बदला लेने के लिए ये कहा जाता है कि जो ये ब्राह्मण थे परशुराम जी जो थे इनमें इतना साहस था, पराक्रम था, शौर्य था कि इन्होंने उसकी तो हत्या की ही, यानी कि मार डाला सहस्त्र बाहु को, और साथ ही साथ जितने भी क्षत्रिय थे इस पृथ्वी पर 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को, मतलब क्षत्रियों को उनके जड़ से नष्ट कर दिया। कहने का आशय यह है कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, पूरी पृथ्वी पे, पूरी धरती पे एक भी क्षत्रिय नहीं रह गया था। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस किसी ने भी अगर मेरे गुरु आराध्य देव शंकर का अगर धनुष तोड़ा है तो वो किसके समान मेरा शत्रु है? सहस्त्र बाहु के समान है। यानी इन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में भी कहना चाहते थे कि वो मेरा शत्रु सहस्त्र बाहु के समान है, यानी कि तुम मेरा पराक्रम जान लो कि अगर मैं क्रोधित हो गया तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, तुम्हारे साथ भी वही हश्र होगा जो मैंने इस राजा के साथ किया था। वो ये अप्रत्यक्ष रूप से समझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है। आगे की पंक्ति में देखिए, सो बिलगाव बिहाई समाजा। बिलगाव मतलब होता है अलग हो जाना। तो यहाँ पर चेतावनी देते हुए जो परशुराम जी वो क्या कह रहे हैं कि अगर जिस किसी ने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है तो वो ये जो राज समाज है, मतलब ये जो राजाओं का, राजकुमार का और देश विदेश के जो राजा महाराजा यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो इस राज समाज से अलग हो जाए, बिलग हो जाए। बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, अन्यथा क्या हो जाएगा, न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा क्या होंगे, मारे जाएंगे। अगर वो व्यक्ति जिसने भगवान शंकर का क्या किया है, धनुष तोड़ा है, वो इस राज समाज से, यहाँ पे जो स्वयंवर के लिए सारे लोग एकत्रित हैं, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ से वो अलग हो जाए, अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा, सभी राजा क्या होंगे, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। ये कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं। आगे की पंक्ति में देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अच्छा, आप जानते हैं कि राम और लक्ष्मण जी में से सबसे ज़्यादा क्रोधित कौन होते थे? लक्ष्मण जी होते थे। जैसा परशुराम जी का स्वभाव वैसा ही लक्ष्मण जी का स्वभाव, धैर्य, गंभीर और सदाचार, ये सारे जो गुण हैं वो कूट कूट के किस में भरे थे? केवल जो है श्री रामचंद्र जी में भरे हुए थे। अब यहाँ पर उनके इतने वचनों को सुनकर, यानी कि सबसे पहले विनयपूर्वक किसने निवेदन किया? रामचंद्र जी ने निवेदन किया, और उनके निवेदन का जो उत्तर है, प्रतिउत्तर, वो जब परशुराम देने लगते हैं अपने शौर्य और पराक्रम के बारे में बताते हैं, तो उनके जो है वचनों को सुनकर अब यहाँ से लक्ष्मण जी के बारे में प्रारंभ होता है। लक्ष्मण जी और परशुराम के बारे में जो बातें हैं वो यहाँ से प्रारंभ होती हैं बच्चों। तो अब देखिए क्या है कि इतनी, जब परशुराम जी ने इतनी बातें बताई तो सुनी मुनि वचन, यानी मुनि जी के वचनों को, कथनों को सुनकर अब लखन मुस्काने, यानी कि लक्ष्मण जी जो हैं वो क्या हुए, थोड़ा सा मुस्कुराए और बोलते हैं, पर सुधरही अवमाने, यानी कि अवमाने मतलब अपमान करके, यानी थोड़ा व्यंग पूर्वक कटाक्ष करके, यानी अपमान करके वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परशुराम जी से बोलते हैं कि बहु धनुई, बहु ये एक ऐसा शब्द है, बहु बच्चों, ये बहु जो है वो सास बहु वाला बहु नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? बहु जो है, अगर ये संस्कृत में भी लगा है बहु, बहुदा मतलब बहुत, और हिंदी में भी बहु का मतलब होता है बहुत, है ना, अधिक मात्रा में। तो बहु धनुही तोरी लरिकाई, ये लरिकाई लिखा है। अब लरिकाई मतलब लड़कपन, जैसे बचपन होता है वैसे लड़कपन है। तो अब
अब यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिका, यानी ऐसे बहुत से धनुष, धनु ही मतलब होता है छोटे धनुष, यानी ऐसे बहुत सारे धनुष, एक धनुष नहीं अपितु बहुत सारे धनुष हमने अपने लरिकाई यानी बचपने में या लड़कपन में तोड़ दिए। और कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, गोसाई मतलब होता है पंडित को भी कहते हैं ब्राह्मण को, और गोसाई कहा जाता है जो गाय को पालता है। तो ये जो दोनों लक्षण हैं वो किसके ऊपर फिट बैठते हैं, परशुराम जी के ऊपर ये एकदम फिट बैठते हैं अर्थात सटीक बैठते हैं। इसलिए यहाँ गोसाई जो है संबोधन के रूप में दिया है वो परशुराम जी से कहते हैं। कौन कहता है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे धनुष हमने कब तोड़ दिए, अपने बचपन में तोड़ दिए। और कबहु न असी रिस किन्नी गोसाई, यानी कभी तो किसी और किसी ने हमारे ऊपर रिस मतलब गुस्सा नहीं किया, यानी हमने तो ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े लेकिन और किसी जो ऋषि है उसने गुस्सा तो नहीं किया। फिर ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी फिर इस ही धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, यानी ममता मतलब आपका इतना लगाव क्यों है, यानी ऐसी क्या खास बात है इस धनुष में कि आप इतने विचलित हो उठे इस धनुष के टूटने से। यानी ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, किस कारण से आपकी इस धनुष पर इतनी ममता है या लगाव है। और सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, इतना कहते ही अब यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो सुनकर रिसाई मतलब फिर से क्रोधित हो गए, एकदम आग बबूला हो गए। वो क्या कहते हैं, भृगु कुल केतु यानी भृगु वंश के जो धारी हैं परशुराम जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए अंतिम की दो लाइन है, ये जो है उसमें ये चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रे नृप बालक, रे मतलब हे, नृप मतलब होता है राजा, राजा का पर्यायवाची, बालक मतलब पुत्र, यानी कि हे राजकुमार काल बस बोलत तो ही न संभार। इसको समझाने के पहले हम बस एक लाइन का उदाहरण देंगे जो कि आप अपने घर में हमेशा सुनते होंगे कि जैसे मान लीजिए हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे माता पिता या कोई भी हमसे जो श्रेष्ठ होता है वो कह देता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका मतलब है कि आदमी का जब विनाश होना रहता है तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, उलट जाती है, उल्टी होने लगती है, यानी कि सही और गलत का जो परख है, जो भेद है, अंतर है, उसको हम पा नहीं पाते अर्थात कि हम उसको जज नहीं कर पाते। अब यहाँ पर वही परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राजकुमार काल बस बोलत, यानी कि तुम काल के बस में आ गए हो। बस का मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये काम हमारे बस में तो नहीं है, तो मतलब कि काल के बस में, यानी कि तुम मृत्यु के बस में आ गए हो, इसलिए तुम इस तरह से कटु वचन यानी कि मेरा अपमान करते हुए बोल रहे हो। और तो ही ना संभार मतलब कि तुम पूरे होश में नहीं हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो और अपनी बोली या वाणी को सुधार नहीं रहे हो या संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो। क्यों नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि तुम काल के बस में आ गए हो अर्थात मृत्यु के आगोश में हो, मृत्यु ने तुम्हें ग्रास बना लिया है। यानी वो जानते थे कि मैं इतना ज़्यादा पराक्रमी हूँ कि मैं अभी कुछ ही क्षण में चाहूँ तो ये दोनों राजकुमारों का क्या कर दूँगा, वध कर दूँगा। इसलिए उन्होंने ये चुनौती दी, क्या कही कि हे राजकुमार, हे बालको, काल के बस में, काल बस बोलत तो ही न संभार, यानी काल के बस में आकर तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमसे अपनी जो बोली है या वाणी है वो तुमसे संभाली नहीं जा रही है। और धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शंकर का दूसरा नाम है, त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। आप जानते हैं भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं इसलिए उनको त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है। विदित मतलब होता है जानना, विदित मतलब क्या होता है, जानना। सकल मतलब होता है पूरा, सकल का मतलब होता है पूरा और विदित मतलब होता है जानना। अब नीचे की लाइन का अर्थ देखिए, धनु ही सम यानी कि ये जो कोई छोटा सा धनुष नहीं है,
ये जो भगवान शंकर का त्रिपुरारी धनु यानी कि भगवान शंकर का जो धनुष है वो कोई धनु ही के समान नहीं है, अर्थात कोई छोटा सा ये खेल खिलौना नहीं है, कोई छोटा धनु ही नहीं है जिसके कि तुम तुलना किससे कर रहे हो, धनु ही से कर रहे हो अपितु, बल्कि विदित सदकल संसार यानी कि भगवान शंकर के जो धनुष है उसको ये समस्त सृष्टि जानती है, पूरा संसार ये जानता है, ये पूरा विश्व विख्यात है कि ये भगवान शिव का धनुष है, अर्थात इसके तुलना छोटे धनु ही से करना ये सार्थक नहीं है। तो बच्चों यही इसका पूरा अर्थ हो गया है, आप जो है इसको पढ़िए देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, इसका आगे का वीडियो जो है उसको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है। यही सारा इसका अर्थ है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।